हे एवरीवन, आई एम राहुल। तो आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ क्लास टेंथ का टाइम टेबल, जो आपके टर्म टू होने वाले हैं, जो कि आपको नहीं पता है कि सब्जेक्टिव होंगे या फिर ऑब्जेक्टिव। आज मैंने इस हिसाब से टाइम टेबल बनाया है, अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो आपका पेपर कैसा भी आए, चाहे सब्जेक्टिव या फिर ऑब्जेक्टिव, आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। चलिए आइए देखते हैं। तो इसको मैंने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक आती है मेजर कैटेगरी, यानी कि इसमें हमने मेजर सब्जेक्ट रखे हैं और इसमें हमने रखे हैं माइनर सब्जेक्ट। मेजर में है आपके साइंस, मैथ और सोशल साइंस, और माइनर में हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत या फिर आईटी। इन दोनों में से आपके पास सिर्फ एक ही सब्जेक्ट होगा, या तो फिर आपके पास संस्कृत होगा या फिर आईटी। ये पूरा टोटली टाइम टेबल है क्लास टेंथ के लिए। तो चलिए देखते हैं हम टाइम टेबल को। तो आपको रेडी हो जाना है 5:30 बजे पढ़ने के लिए, अगर आपका सुबह उठने का मन नहीं करता है तो। लास्ट में मैंने इसका भी तरीका बताया है, अगर आपको रात में पढ़ना अच्छा लगता है तो आप रात में भी पढ़ सकते हैं सुबह की बजाय, वो भी मैंने आगे वीडियो में बताया है। अगर आपको रात में पढ़ना अच्छा लगता है तो उसके लिए भी सोल्यूशन मैंने वीडियो में बताया है। तो आपको रेडी हो जाना है 5:30 बजे, अगर आपको सुबह उठना अच्छा लगता है, पढ़ना अच्छा लगता है तो। आप एटलीस्ट सुबह उठकर ब्रश कर फ्रेश होकर आप अपने स्टडी टेबल पर बैठ जाएं पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले जो सब्जेक्ट आपको उठाना है वो है साइंस। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आप साइंस उठाएं, मतलब अपना साइंस में कोई सा भी एक चैप्टर उठाएं, उसको आपने डीपली रीड करना है, फोकस करके डीपली रीड करना है। आप इसके लिए एसचंद की, जो लखमीर सिंह की बुक है, उसे फॉलो कर सकते हैं, या फिर आपके पास एनसीईआरटी की बुक होगी, उसको लाइन टू लाइन रीड करना है। इससे क्या होगा, आपका पेपर सब्जेक्टिव आता है तो भी आपको हेल्प मिलेगी, अगर ऑब्जेक्टिव आता है तो आपको चैप्टर का एक एक पॉइंट पता होगा, जिससे कि आप ऑप्शन अच्छे से टिक कर पाएंगे। तो आपको कोई सा भी एक चैप्टर उठाना है। फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए आप फिजिक्स का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर कवर करते हैं, तो उस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को आपको इस तरह पढ़ना है कि उसमें से कोई भी सवाल आए तो आपसे वो हो जाना चाहिए। तो उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको 15 मिनट का ब्रेक लेना है। या दोस्तों, इसके बाद 1 घंटा पढ़ने के बाद आप 15 मिनट का ब्रेक लें, तो 15 मिनट के बाद आपको क्या करना है, आपको मेक शॉर्ट नोट्स, जो आपने 1 घंटे चैप्टर पढ़ा उसके आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, जो भी आपके माइंड में स्टोर हो गया है उसको अपनी नोटबुक में लिखना है, जो भी आपने 1 घंटे में जो पढ़ा उसे अपनी नोटबुक में शॉर्ट नोट के टाइप में लिखें। इससे क्या होगा, आपका माइंड है वो रिकैप करेगा और आपके माइंड में जो भी आपने पढ़ाया वो इमेज स्टोर हो जाएगी। तो आपको 6:45 से 7 AM के बीच में 15 मिनट में ये अपने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है, आपको नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा चूज करना है, आपको नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा पढ़ना है। चलिए आइए देखते हैं। अब जो आपका है यहाँ पे है स्कूल या फिर ऑनलाइन क्लास, आपकी 7 बजे से 3 बजे तक होगी। तो आपकी ऑनलाइन क्लास भी चल रही होगी, तो आपकी 7 बजे से, यहाँ मैं 3 बजे कंसीडर कर रहा हूँ कि आपकी क्लास खत्म हो जाएगी। अगर आप स्कूल जाते हैं तो आपका स्कूल ओवर हो जाएगा 3 बजे तक। आप अपना खा पी के अपने एकदम फ्रेश हो जाएंगे, मतलब आप अपना 3 बजे तक रेडी हो जाएंगे पढ़ने के लिए। तो आपको 3 बजे से 3:15 तक क्या करना है, अपना हिंदी का कोई भी एक चैप्टर उठाना है, उस चैप्टर की अपने YouTube पर समरी देखनी है। जी हाँ, आपको कोई सा भी चैप्टर अपना एक हिंदी का लेना है, उसकी YouTube पर अपनी समरी देख लें 15 मिनट में। और इसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लेकर आपको इंग्लिश सब्जेक्ट उठाना है, इंग्लिश की कोई भी चैप्टर आपको उठाना है, उसकी आपको YouTube पर वीडियो देखनी है। अगर वो कॉम्प्लिकेटेड है तो आप उसको 2 बार देखें और उससे आपको ज्यादा समझ में आएगा। और उसके 5 मिनट बाद, यानी कि आपको उसके जो भी आपने उस वीडियो में देखा, जो भी आपके माइंड में स्टोर हुआ, इंस्टेंट 5 मिनट का ब्रेक भी नहीं लेना है, इंस्टेंट जो भी आपने उस वीडियो में देखा और दिमाग में आपके जो भी स्टोर हुआ, उसको आपने अपनी नोटबुक में लिखना है एज अ शॉर्ट नोट्स। 3, 40 और 4, यानी कि 20 मिनट आपको मिलेंगे उसको लिखने के लिए। आपको जितना भी इस वीडियो में आपने कवर किया था वो सारा इसमें लिखना है। इससे क्या होगा, आपकी राइटिंग स्किल भी इम्प्रूव होगी और आपका ने जो लिखा है वो आपके माइंड में स्टोर हो जाएगा। तो ये तो रहा आपका हिंदी और इंग्लिश। अब आइए नेक्स्ट बात करते हैं दूसरे सब्जेक्ट के बारे में। चलिए देखते हैं, इसके बाद है आपका रेस्ट, या फिर आप इसे कह सकते हैं अपना खेलने का टाइम। अगर आपको खेलना अच्छा लगता है, यानी कि आप बाहर जाते हैं शाम के वक्त, तो आप इस समय में आप अपने फ्रेंड के साथ जा सकते हैं, यानी कि आप अपने फ्रेंड के साथ खेल सकते हैं। अगर आप टीवी देखना चाहें तो आप इस टाइम में टीवी भी देख सकते हैं, कि आपका ये टाइम है, आप इसमें जो करना चाहें फ्री टाइम में वो कर सकते हैं। आप अपना सोशल मीडिया पर स्पेंड कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा आप अपना टाइम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, जो आपको स्कूल में रिटर्न वर्क मिलता है उसे आप इस टाइम में कर सकते हैं।
तो नेक्स्ट जो आता है मेन मोस्ट इम्पोर्टेंट वो है आपका मैथ्स। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे बच्चों को मैथ्स से बहुत डर लगता है। इसमें आपको क्या करना है, 5 बजे से 6:30 बजे तक मैथ्स सब्जेक्ट को आपको एकदम क्लियरली एनसीईआरटी प्रॉब्लम पर फोकस करना है। इसमें आपको 1.5 घंटे तक आपको एनसीईआरटी का कोई भी चैप्टर उठाना है जो आपका टर्म 2 में आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर ले सकते हैं, उसकी 8.1 से लेके 8.5 तक जितना आपसे हो सके उसका एक एक क्वेश्चन आपको करके देखना है। अगर आपसे हो सके तो आपको पूरा कोशिश करनी है कि आपको एक चैप्टर इस 1.5 घंटे में कंप्लीट करने लेना है। इसके बाद आपको कोई भी सवाल आ जाए ट्रिग्नोमेट्री का एनसीईआरटी से तो आपका वो क्वेश्चन हो जाना चाहिए। इस तरह से आप अपनी प्रिपरेशन करें। तो आइए चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम कौन सा सब्जेक्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं संस्कृत या फिर आईटी की। अब 1.5 घंटा मैथ्स पढ़ने के बाद आपको 15 मिनट का ब्रेक लेना है। इसके बाद आपको संस्कृत या फिर आईटी इन दोनों में से आपके पास कोई एक सब्जेक्ट होगा। अगर आपके पास संस्कृत है तो आपको आधा घंटा संस्कृत पढ़ना है, इसमें आधा घंटा पढ़ना है। और अगर आपके पास आईटी है तो इसमें आपको सिर्फ 15 मिनट पढ़ना है। 15 मिनट क्यों, क्योंकि ये इंग्लिश में है, इसको बस आपको ओवरव्यू लेना है, ऊपर से रीडिंग देनी है। और इसमें आपको आधा घंटा इसलिए क्योंकि संस्कृत में आपको लिखने में प्रॉब्लम आती है। इसमें आपको आधा घंटा पढ़ना है और इसको लिखकर भी चेक करना है, इसलिए मैंने इसमें हाफ आवर रखा है और इसमें ओनली 15 मिनट्स। इसके लिए 15 मिनट्स इनफ है क्योंकि आपको इसमें ओवरव्यू देखना है, बाकी तो आप जो क्लास में होता है आपका उसमें ध्यान दें तो आपका ये आईटी आसानी से हो जाएगा। मोस्टली तो इसमें प्रैक्टिकल ही होते हैं और आपका 40 मार्क्स का पेपर होता था, लेकिन एमसीक्यूज के बेस पर होगा तो आपको ओवरव्यू से ही आइडिया मिल जाएगा। तो आइए नेक्स्ट बात करते हैं हमें सोशल साइंस के लिए। उसके लिए आपको कितना टाइम डिस्ट्रीब्यूशन रखना है कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाए, तो चलिए देखते हैं। उसके बाद आपको 15 मिनट का फिर दोबारा ब्रेक लेना है। इसमें आप क्या करेंगे, अपने फ्रेंड का आपको कोई मैसेज आया है तो आप उसको रिप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप इस टाइम में अपना छोटा स्नैक्स वगैरह खा लिया वो अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, या फिर थोड़ी देर आपने सोशल मीडिया पर स्पेंड कर लिया, शॉर्ट्स वगैरह यूट्यूब स्क्रॉल कर लिया, वो सब कर सकते हैं। इसके बाद जो आपको करना है वो है सबसे मेन और मोस्ट इम्पोर्टेंट सोशल साइंस। इसके लिए आपको एकदम फोकस होकर स्टडी पर बैठ जाना है 7:30 बजे से 8:30 बजे तक। इसमें ना कोई आपको डिस्टर्ब करना चाहिए, ना कोई आपको डिस्ट्रैक्शन होनी चाहिए। अपने फोन के भी नोटिफिकेशन ऑफ कर देना इस टाइम पर। आपको इसमें कोई भी चैप्टर एक उठाना है जो आपके टर्म 2 के सिलेबस में है, उसको एकदम कंसंट्रेट होकर पढ़ना है। उसको पढ़ने के बाद आपको अपने माइंड में स्टोरी रिवाइंड करनी है कि इस चैप्टर में क्या क्या है। थोरोली उसको आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको उसकी डेट्स वगैरह, मान लीजिए आप हिस्ट्री का पढ़ रहे हैं तो आपको उसकी डेट्स, कौन सा इवेंट कब हुआ था, वो डेट्स आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद जो आपका लास्ट आता है वो है आपका डिनर। जी हाँ दोस्तों, आप 8:30 से 9:30 बजे तक अपना डिनर कंप्लीट करके खा पी के अपना डिनर कर लें। इसमें कहेंगे, आप कहेंगे कि भैया हमें तो 20-25 मिनट लग के डिनर करने में, आपने हमें 1 घंटा क्यों दिया है। तो इसमें आप अपना डिनर करने के बाद आप अपनी फैमिली के साथ बैठिए, थोड़ी बातचीत करिए। फैमिली के साथ बात करना ही बहुत अच्छी बात है, थोड़ा उनसे भी पूछिए। और नहीं आपको बात करनी तो आप अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करके टीवी देखिए, अपने पेरेंट्स से टीवी देख सकते हैं, जो भी आपका मन करे वो आप कर सकते हैं। बट आपका ये डिनर का टाइम है, आप इसको अपना यूटिलाइज करें। इसके बाद जो आपको करना है वो अब मैं बताता हूँ नेक्स्ट में। 9:30 बजे डिनर करने के बाद आपको सो जाना है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको सुबह जल्दी उठकर पढ़ना है तो आपको 9:30 बजे सो जाना होगा। अगर आप 9:30 बजे सोने जाएंगे तो आपको लगभग 10 बजे करीब नींद आएगी, तो सुबह आपको जल्दी भी उठना पड़ेगा 5 बजे करीब, अगर आपको 5:30 बजे स्टडी करने बैठना है। लेकिन आपको सुबह उठना अच्छा नहीं लगता, आपको रात में ही पढ़ना अच्छा लगता है, तो आप जो मैंने स्टार्टिंग में साइंस का केस बताया था, जो साइंस सब्जेक्ट आपको 5:30 बजे से 6:30 बजे तक पढ़ना था, उसको आप यहाँ पर शिफ्ट कर सकते हैं लेट नाइट के लिए। आप साइंस को 9:30 बजे से 10:30 बजे तक पढ़ सकते हैं, जो आपका मॉर्निंग में शेड्यूल था, जो आपको 5:30 से 6:30 मैंने बताया था, तो आप यहाँ पर शिफ्ट कर सकते हैं 9:30 से 10:30, 1 आवर इसमें पूरा आपको मिल रहा है। इसमें आपको वही सेम फॉर्मूला अपनाना है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, लेकिन आपका ये 10:30 लास्ट होना चाहिए। अगर इसके बाद भी आप लेट नाइट तक जाते हैं तो आपके लिए वो हेल्थ के लिए सही नहीं होगा, आपको लास्ट 10:30 बजे के बाद आपको सो जाना है। अगर आप इस टाइम टेबल को फॉलो करते हैं, चाहे फिर पेपर सब्जेक्टिव आए या फिर ऑब्जेक्टिव, आपके 95% आने से कोई नहीं रोक सकता। आई होप आपको ये टाइम टेबल पसंद आया होगा और आप इसे फॉलो भी करेंगे। तो ऐसी और वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। गुड बाय।